देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। घोड़ों को नहीं मिल रही घास और वहीं गधे खा रहे हैं चमप्रास। दरअसल इंसानों को तो ढंग से एक टाइम का खाना तक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वहीं गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़े ही तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो कहाँ का है और गधों को क्यों गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, सब कुछ आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मध्य प्रदेश के मंदसौर का यह वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इस वीडियो को लेकर कह रहे हैं कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे चमप्रास। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार यहां किसान नहीं बल्कि गधों को लेकर एक वीडियो बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग दो गधों को एक परात में गुलाब जामुन खिला रहे हैं। इसके पीछे वजह भी बड़ी रोचक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मंदसौर में बारिश के लिए यह टोटका किया गया। जानकारी के अनुसार मंदसौर में एक स्थानीय नेता ने क्षेत्र में बारिश कराने के लिए एक टोटका आजमाया था। इसी के तहत उन्होंने कुछ गधों को गुलाब जामुन खिलाए। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने गुरुवार को मुक्तिधाम में काल भैरव के समक्ष तांत्रिक क्रिया करते हुए गधे पर बैठकर भगवान से अंचल में बारिश की कामना की थी। इस पर शनिवार को मंदसौर सहित अंचल में बारिश हुई थी। गोस्वामी ने पशुपतिनाथ मंदिर गेट पर तांत्रिक क्रिया के तहत गधे को गुलाब जामुन खिलाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले तो आप वो वीडियो देखिए। शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि यहाँ के लोग बारिश न होने की वजह से परेशान थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने गधे पर बैठकर तांत्रिक क्रिया की थी। इस क्रिया के बाद यहाँ बारिश हुई भी। इसके बाद उन्होंने जिस गधे पर बैठकर तांत्रिक क्रिया की थी, उसी गधे को प्रसन्न होकर गुलाब जामुन खिलाए हैं। बता दें कि देश के विभिन्न इलाकों में बारिश के लिए तरह तरह के टोटके किए जाते हैं। कई जगह मेंढकों की शादी भी कराई जाती है, तो कई जगह इन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता है। जैसा कि मंदसौर में बारिश लाने के लिए, बारिश हो उसके लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाया गया ताकि वहां पर बारिश हो सके। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग के नियम कानून होते हैं और भी कई जगहों पर है कि मेंढकों की शादी कराई जाती है। लेकिन इस पूरे मामले पर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वाकई में गधों को गुलाब जामुन खिलाने से बारिश होती है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।